हमारे पॉइंट के मौजूद दोस्तों वालेकुम नाजरीन मोहतरम 2017 में पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था इस प्रोजेक्ट का नाम अजम रखा गया अगरचे इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऐसे मंसूबे बना रखे हैं, जिनको आइंदा आने वाले सालों में मुकम्मल किया जाएगा मगर ये प्रोजेक्ट खास तौर आरोप पाकिस्तान के पांचवी नस्ल के लड़ाका तैयारों ऐसी मनसूब किया गया है नाजरीन मोहतरम अब जब के पाकिस्तान प्रोजेक्ट आजम के तहत पांचवी नस्ल के लड़ाका तैयारे के लिए काम शुरू कर चुका है और वक्तन फवक्तन ऐसी खबरें भी आती रहती हैं कि इस बारे में क्या पेशरफ हो रही है और ऐसी खबरों को हमने हमेशा ही कोशिश की है कि सही तरह से आप लोगों तक पहुंचाया जाए पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से एयरफोर्स डे के मौका पर अपनी पांचवी नस्ल के लड़ाका तैयारी के मुतालिक एक और वीडियो शेयर की गई है इस वीडियो में इस फाइटर जेट की चंद एक ऐसी खसूसियात को देखा जा सकता है और इस वीडियो को देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है की पाकिस्तान के फाइटर जेट में कौन कौन सी खसूसियात शामिल हो सकती है अपनी पांचवी नस्ल के लड़ाका तैयारे में शामिल की जाने वाली खसूसियात जो की बताई गयी है वो कौन कौन सी है और उसमे किस किस्म के मिजाइलों और हथियारों को लगाया जाएगा आज की वीडियो में हम इन बातों को तफसील के साथ बयान करेंगे मगर वीडियो की तफसील में जाने ऐसी पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे नाजरीन मोहतरम पाकिस्तान की जानिब से इस फाइटर जेट में जो नई खसूसियात शामिल करने का जो इशारा दिया गया है वो क्या है नाजरीन मोहतरम सात सितम्बर दो को पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स की कारकर्दगी को एक वीडियो की शक्ल में दिखाया गया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से बहुत सी ऐसी वीडियोस को भी दिखाया गया है जो कि पीएसी कैमरा और एविएशन इंडस्ट्री के अंदर से बनाई गई थी खास तौर पर डोमेस्टिक एयर स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग से मुतालिक बहुत सी तफसीलात के साथ इस वीडियो में पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ब्रीफ भी किया गया है नाजरीन ने मोहतरम पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इस असम प्रोजेक्ट के तहत तैयार होने वाला लड़ाका तैयारा और इससे मुतालिक बहुत सी मालूम को भी शेयर किया गया है इस बात में कोई शक नहीं की पांचवी नस्ल के लड़ाका तैयारे के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उसको असम प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है नौसरी ने मोहतरम 2017 में जब पाकिस्तान की जानिब से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया तो हंगामी तौर पर एक पांचवी नस्ल के लड़ाका तैयारे को बनाने का इंडिया दिया गया इसके साथ साथ ये इंडिया भी दिया गया कि इसमें इस्तेमाल होने वाली मेंटेनेंस और तमाम तरह मशीनरी भी मकामी तौर पर ही बनाई जाएगी और इस सब को वीडियो में भी दिखाया गया है अगरचे इससे पहले भी पाकिस्तानी माहरीन की जानब ऐसी सिर्फ जुबानी कलामी ही बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के इस फिफ्थ जनरेशन के हामिल लड़ाका तैयारे में कौन कौन सी खूसियात शामिल होंगी दोस्तों अभी हाल ही में अपने इस पांचवी नस्ल के लड़ाका तैयारे का पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से एयर फ्रेम भी बना लिया गया था लेकिन अब पाकिस्तान का ये एयरक्राफ्ट हकीकी मानों में एक शेप ले रहा है और ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का ये एयरक्राफ्ट किन सलाहित का मालिक हो सकता है नसरी ने ग्रामीण आपको ये सुनकर शायद यकीन न आए कि पाकिस्तान अपने इस लड़ाका तैयारे को दुनिया के किसी भी जदीद तरीन लड़ाका तैयारे के हम पल्ला बनाने की ख्वाहिश रखता है यही वजह है कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अमेरिकन एयरफोर्स के एडवांस फाइटर जेट से इस्तेफादा हासिल कर रही है खास तौर पर अमेरिकन एफ ट्वेंटी टू रेप्टर की खसूसियात को पाकिस्तान एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट में शामिल करने का इरादा रखती है अगरचे पाकिस्तान एयरफोर्स अमेरिकन एयरफोर्स में शामिल एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को अपने फिफ्थ जनरेशन के हामिल लड़ाका तैयारे में शामिल करेगी या नहीं मगर इस वीडियो को देख कर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ये एयरक्राफ्ट डबल इंजन का हामिल तैयारा होगा जो कि सुपर सोनिक स्पीड का हामिल होगा और इसमें लेजर वेपन भी लगाए जाएंगे और इस तैयारे की सबसे बड़ी खूबी जो होगी वो ये होगी कि लो ऑब्जर्विंग सिस्टम के हामिल और इसका एयर फ्रेम लो रिडार क्रॉस सेक्शन का हामिल होगा नाजरीन मोहतरम पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से एक और बात जो सामने आई है वो ये है कि ये तैयारा अब लाइट वेट नहीं होगा पाकिस्तान का ये तैयारा मीडियम टू हैवी वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सत में शामिल होगा इस पांचवी नस्ल के लड़ाका तैयारे की वजन कैरी करने की सलाहियत मैक्सिमम तीस हजार ऐसी पैंतीस हजार किलोग्राम तक हो सकती है अगर ये एयरक्राफ्ट मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट हुआ तो फिर ये एयरक्राफ्ट पच्चीस हजार ऐसी सत्ताईस हजार किलोग्राम तक के पेलोड के साथ टेक ऑफ करने की सलाहियत रखेगा दोस्तों अगर इस तैयारी की वेपनरी को देखा जाए तो एयरफोर्स की तरफ से इस बात का इशारा दिया गया है कि इस एयरक्राफ्ट में एयर ब्रीथिंग मिसाइल नष्ट किए जाएंगे जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो सकते हैं और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स चाइना की मावनत से मकामी तौर पर सी एम थ्री जीरो टू मिजाइल बनाने का इरादा रखती है इस सब से ये बात तो साफ जाहिर हो रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने दोस्त ममालिक की मदद से नए हथियार तो बना सकती है मगर इस तैयारे में किसी दोस्त मुल्क से हथियार लेकर शामिल नहीं करना चाहती मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस तैयारे को मुकम्मल तौर पर मकामी सतह आरोप तैयार करने का इरादा रखती है नासरी मोहतरम प्रोजेक्ट असम के तहत तैयार होने वाला ये पांचवी नस्ल के तैयारे का सिस्टम सब सिस्टम और एवियोनिक्स के मुतालिक बात की जाए तो पी एफ की जानब से बहुत पहले ही ये इशारा दे दिया गया था कि वो अपने से एयरक्राफ्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग सिस्टम नष्ट करने का इरादा रखती है नाजरीन मोहतरम अगर जदीद फाइटर जेट देखा जाए तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम खास तौर पर डेटा सिस्टम दुश्मन फाइटर जेट्स की फ्रीक्वेंसी और दुश्मन फाइटर जेट के बहुत से सिस्टम पर असर अंदाज होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब ऐसी वक्तन फवक्तन बताई जाने वाली फाइटर जेट से मुताल मालूम शेयर की जा रही हैं। दोस्तों अगर अब तक की फ्राम की जाने वाली मालूम को देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स हकीकी मानों में एक पांचवी नस्ल का लड़ाका तैयारा बनाने का सफर शुरू कर, कर चुकी है और अगर ये सफर इसी तरह जारी रहा तो इनशाला दो तक पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक मकानी तौर पर पांचवी नस्ल के लड़ाका तैयारे का प्रोटोटाइप मौजूद होगा जिसको तमाम तरह टेस्ट मराहिल से गुजारने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स इन फाइटर जेट्स को मकानी तौर पर बनाने के काबिल हो जाएगी इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस मिशन में कब तक कामयाब हो पाएगी अपनी राय ऐसी हमें आगाह जरूर कीजिएगा और पाकिस्तान के उन बहादुर शाहि ऐसी अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस मिशन में कब तक कामयाब हो पाएगी अपनी राय से हमें आगाह जरूर कीजिएगा और पाकिस्तान के इन बहादुर शाहीनों से अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लिखना मत भूलिएगा उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह निगबा